आर नॉट, अगर बोर रेडियस को मैं ए नॉट लूं, द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट, आसान क्वेश्चन है, सेकेंड बोर ऑर्बिट, रेडियस आर का फॉर्मूला हम सबको पता है कि आर नॉट, और ये ए आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड रेडियस। तो बोर, बोर रेडियस क्या होता है? तो बोर रेडियस वो होता है जब जेड की वैल्यू वन हो और एन की वैल्यू भी वन हो, तो ये आर की वैल्यू जो है वो आर नॉट, दैट इज ए नॉट, आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये जो चीज़ है वो बोर रेडियस है, ये इक्वल होगा, तो ये इक्वल है इसके, आर नॉट के इक्वल है, आर इक्वल टू आर नॉट, बोर रेडियस इतना है। तो बोर रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट, सेकेंड मतलब होता है कि एन इज इक्वल टू टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो रेडियस सेकेंड आर टू जब लिखोगे तो यहाँ से आर नॉट या ए नॉट जो भी लिख दो, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो आर नॉट और ये टू का स्क्वायर और जेड की वैल्यू वन, दैट इज फोर आर नॉट या फोर ए नॉट इसका सोल्यूशन है। आसान क्वेश्चन था, दैट इज ए ऑप्शन सही है।